डीएम शीतल वर्मा ने सफाई कर्मचारियों को वितरित किए कोट। यूपी के सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत डीएम शीतल वर्मा के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छग्राहियों व सफाई कर्मचारियों को कोट वितरित किए गए। डीएम शीतल वर्मा ने स्वच्छता मिशन के तहत सफाई कर्मचारियों को गांव में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। ये सफाई कर्मचारी कोट पहनकर ग्रामीण अंचलों में जाएंगे और लोगों को स्वच्छ रहने का संदेश देंगे। कोट पर स्वच्छ भारत मिशन का मोनोग्राम लगा हुआ है। डीएम शीतल वर्मा पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए जिले में अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम कर रही हैं। इससे ग्रामीण में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। कोट पाकर सम्मानित हुए कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग गाँव में जाएंगे तो लोगों को खुले में शौच न जाने के लिए प्रेरित करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जन सामान्य के मध्य जाके प्रचार प्रसार करना और उनको जागरूक बनाना। स्वच्छ भारत मिशन में सिर्फ शौचालय का निर्माण और उसका प्रयोग करने तक ही सीमित उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड जाकर दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को अपने दिनचर्या का एक पार्ट बनाना उद्देश्य है, जिसमें शौचालय के प्रयोग के अलावा हैंड वॉशिंग कंपोनेंट एक है, एक MHM कंपोनेंट होता है, इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर स्वच्छ पेयजल का भी कंपोनेंट है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्मों से IC एक्टिविटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एक्टिविटी करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि जन सामान्य को अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक करना। इसीलिए हमने एक IC एक्टिविटीज के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था कि कोट का वितरण कराया जाएगा, ताकि जब ये स्वच्छाग्रही और सफाई कर्मचारी जन गाँव के बीच में जाकर लोगों के मध्य जाएंगे तो लोग एक मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये किस क्या कोट है, इस पे सब पे एक ही तरह का क्यों भाषा लिखी हुई है, इसको पढ़ेंगे, इनसे सवाल करेंगे और स्वच्छता के बारे में और जागरूक बनेंगे। 3,500 कुल टोटल है, लेकिन यहाँ पे हमारे एक जिला स्तर पे एक छोटा सिंबॉलिक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 20 स्वच्छाग्रहियों को बुलाया, 50 स्वच्छाग्रहियों को बुलाया गया था, लेकिन इसके बियॉन्ड हम ब्लॉक स्तर पे जाके भी जितने भी 3,500 स्वच्छाग्रही हैं और सफाई कर्मचारी उन सबको भी वितरण करेंगे।